हाय फ्रेंड, कंपटीशन नाम के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको वो चीज़ देने जा रहा हूँ जिसका आप लोग को बेसब्री से इंतज़ार था। आज दिनांक 5/2/2017 को जो BSSC का एग्ज़ाम हुआ है, मैं उसका फुल आंसर की आप लोगों को देने जा रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी जो एग्ज़ाम होगा मैं उसका फुली अपडेट आप लोग के पास पहुंचा सकूं। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो खुद ब खुद आपके मोबाइल स्क्रीन या आपके लैपटॉप कंप्यूटर, यानी आपके पास जो भी साधन उपलब्ध है, उस पर तुरंत आपको उपलब्ध किया जा सकेगा। और मैं जनरल कंपटीशन का प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक खास तोहफा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। www.competitionhub.organize पर फ्री वीडियो लेक्चर, जो स्टूडेंट जनरल कंपटीशन पर्पज से तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये साइट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और फ्री वीडियो लेक्चर क्लास इस पर उपलब्ध है, अतः आप सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक वीडियो को देखें और इसका लाभ उठावें। अभी मेरे पास BSSC 5/2/2017 को जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका 30 क्वेश्चन मेरे पास अभी तत्काल में अवेलेबल है, और कुछ घंटे के बाद मैं टोटली क्वेश्चन में आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से अपडेट करवा दूंगा। पहले मैं 30 क्वेश्चन में आप लोग को अपडेट करवा देता हूं। देखिए, 30 क्वेश्चन GS का है, वो इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन आपका है कि इनमें से कौन सी मास्टर ग्रंथि है, तो इसका आंसर है पीयूष ग्रंथि। दूसरा क्वेश्चन है, किस विटामिन को टैकोफेरोल के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर सही आंसर है विटामिन ई। तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार है, टेफ्लोन किस बहुलक का एक यौगिक होता है, तो टेफ्लोन एमाइड का एक यौगिक होता है। और चौथा क्वेश्चन इस प्रकार है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। कौन सा जीव परिवार श्रृंखला बनाती है, तो परिवार श्रृंखला बनाती है मधुमक्खी। तो छठा क्वेश्चन इस प्रकार है कि हल्दी क्या है, तो हल्दी एक तना है। सातवां क्वेश्चन है कि कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, तो इसका सही आंसर ध्वनि तरंगे हैं, जो कि विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। भारी जल, आठवां क्वेश्चन है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसका रासायनिक नाम है। और नौवां क्वेश्चन है इस प्रकार कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। और दसवां क्वेश्चन इस प्रकार है आपका कि सुमात्रा द्वीप किस महासागर में स्थित है, तो सुमात्रा द्वीप जो कि भारत के दक्षिण में है वो हिंद महासागर में उपस्थित है। 11वां नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है कि बिहार में कुल कितने ज़िले हैं, तो बिहार में कुल 38 ज़िले हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है कि कौन सी गर्म जल धारा है, तो उन चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन गोल्ड स्ट्रीम है, जो कि राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 13 इस प्रकार है कि किस देश में सबसे ज़्यादा मानक समय है, किस देश में सबसे ज़्यादा मानक समय है, तो इसका राइट आंसर फ्रांस है, फ्रांस, हालांकि रूस होना चाहिए, फ्रांस, चलिए फ्रांस है। निम्नलिखित इनमें कौन सा राज्य में छऊ मनाया जाता है, तो छऊ पश्चिम बंगाल, बिहार को छोड़कर पश्चिम बंगाल में छऊ मनाया जाता है। 15 क्वेश्चन नंबर 15 इस प्रकार है कि बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है, देवास में, बैंक नोट प्रेस देवास में स्थित है। 16वां नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है कि द टेस्ट ऑफ माय लाइफ के लेखक कौन है, तो युवराज सिंह है, द टेस्ट ऑफ माय लाइफ के लेखक युवराज सिंह है। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कब से शुरू हुआ, तो इसका राइट आंसर 2001 है।
18 नंबर क्वेश्चन है, ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? तो ब्राज़ील की मुद्रा रियल है। 19वां नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है कि ब्रह्मपुत्र को पश्चिम बंगाल में क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर जमुना है। 20वां नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है कि पद्मावत के लेखक कौन है? तो पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जैसी जी हैं। 20वां क्वेश्चन हो गया। अब 21वां क्वेश्चन आपके पास है इस प्रकार कि कौन से लेखक अंग्रेजी को छोड़कर इटालियन लेखन शुरू कर दिए हैं? कौन से लेखक अंग्रेजी को छोड़कर इटालियन लिखना शुरू कर दिए हैं? तो इसका राइट आंसर झुंपा लहरी है। 22वां नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है कि इनमें से सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन तमिलनाडु है, जहाँ की जनसंख्या सबसे कम है। 23वां नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है कि किसके जेल स्थल को तीर्थ स्थल घोषित कर दिया गया? किसके जेल स्थल को तीर्थ स्थल घोषित कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर जयप्रकाश नारायण है। जयप्रकाश नारायण है। 24वां क्वेश्चन इस प्रकार है कि किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो बिहार। बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। 25वां नंबर क्वेश्चन प्रकार है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया कहाँ से ली गई? तो ये आयरलैंड के संविधान से ली गई थी। 26वां नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है कि भारत की प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम अभिनेत्री देविका रानी रोरिक थी। 27वां नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है कि महलों का शहर किसे कहा जाता है? महलों का शहर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोलकाता को कहा जाता है महलों का शहर। 28वां नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है कि कीवी किस देश के पक्षी का नाम है? तो कीवी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जहाँ की कीवी जनजाति की पक्षी पाई जाती है, कीवी जाति की पक्षी पाई जाती है। और 29 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है कि इंग्लैंड का स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है? इंग्लैंड का स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है? तो फिस 100 है। 30वां नंबर क्वेश्चन नंबर 30 इस प्रकार है कि पीली क्रांति का संबंध है? तो पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है। और आगे के क्वेश्चन के अपडेट के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे का क्वेश्चन आपके मोबाइल या वीडियो लैपटॉप या कोई भी साधन हो उस पर जैसे मैं अपडेट करूँ आपको उपलब्ध हो जाए। थैंक यू।